गलती सुधारने का समय आया है। कब तक बर्बाद होते रहोगे माया से लिपट के? कुछ साथ नहीं जाएगा तुम्हारे। अरे व्यापार जब भी करो जो दो कानों के बीच में है उसका इस्तेमाल करो, जो दो टांगों के बीच में है उसका नहीं। सुनिए, थोड़ा नाश्ता लगवा देते। दो मिनट बैठो, ना आता हूँ। हाँ नहीं नहीं ऐसे ही एक आदमी था। हाँ वो मैं देखता हूँ। गजब बेइज्जती है, दूल्हा को नाश्ता के लिए कौन इंतजार कराता है? OTT पर मचेगा भौकाल मिर्जापुर ही नहीं, 2024 में ये 8 सीरीज नए सीजन के साथ लौटने को है बेताब। पंचायत, आश्रम और मिर्जापुर कुछ लोकप्रिय वेब सीरीज जिनके अगले सीजन की रिलीज का इंतजार दर्शक बीते महीने से कर रहे हैं। साल 2024 में 8 पॉपुलर सीरीज अपने अगले सीजन के लिए तैयार हैं और ट्विस्ट एंड टर्न के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर लौट रही हैं। तो वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड समाचार में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी वेब सीरीज के बारे में जानेंगे जो कि अपकमिंग है, आने वाली है 2024 पे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पे आती है पाताल लोक। पाताल लोक का दूसरा सीजन साल 2024 में अमेजोन प्राइम वीडियोज पर दस्तक देगा। जयदीप अहलावत एक बार फिर इस वेब सीरीज में नजर आएंगे। एक बार फिर वो हाथीराम चौधरी के रोल में अपराध और न्याय की जटिल दुनिया से दर्शकों को इंट्रोड्यूस करेंगे। नंबर 2 पर आती है महारानी। महारानी के सीजन 3 में हुमा कुरैशी रानी भारती के किरदार में नजर आएगी, जिसे सोनी लीव पर इसी साल स्ट्रीम करने की तैयारी है, क्योंकि रानी राजनीतिक दुनिया में और गहरे उतरेंगी, इसलिए दर्शक महारानी 3 से ज्यादा ट्विस्ट और टर्न की उम्मीद कर रहे हैं। नंबर 3 पे आती है बॉबी देओल की लोकप्रिय सीरीज आश्रम 4। आश्रम 4 का ट्रीजर साल 2022 में रिलीज हुआ था। दर्शकों की उम्मीद के विपरीत इसका सीजन 4 पिछले साल रिलीज नहीं हुआ, यानी कि सीजन 4। इसीलिए साल 2024 में MX प्लेयर पर इसे नए सीजन की रिलीज होने की संभावना बढ़ गई है। नंबर 4 पर आती है आर्या 3। आर्या 3 का पहला पार्ट साल 2023 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हुआ था और हिट भी था, जिसका अंत आर्या को गोली लगते ही खत्म हो गया था। दर्शक अब दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं और बेताब हैं आर्या की जिंदगी का अगला पड़ाव उन्हें कहां ले जाता है, ये देखने के लिए। नंबर 5 पर OTT पर मौजूद भारत का सबसे लोकप्रिय क्राइम ड्रामा मिर्जापुर का तीसरा सीजन साल 2024 में स्क्रीन पर लौटने के लिए बेताब है। सीजन का दूसरा सीजन शूट आउट के साथ समाप्त हुआ है, जिसमें मुन्ना कालीन भैया को गोली लग गई थी और आखिरकार गुड्डू और गोलू मुन्ना को मारकर अपने भाई बहनों की मौत का बदला ले लेते हैं। शरद किसी तरह कालीन भैया को बचा लेता है, मगर गुड्डू की उनकी जगह पर कबीज हो जाता है। नंबर 6 पर आती है पंचायत 3। पंचायत 3 के किरदारों की पहली झलक देखकर Amazon प्राइम वीडियोज ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया, यानी कि दिखाकर। शो अभिषेक नाम के एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की कहानी है, जो फुलेरा गांव की पंचायत का सचिव बनकर वहां पहुंचता है। गांव में आकर जिंदगी को लेकर अभिषेक का नजरिया कैसे बदल जाता है, सीरीज का प्लॉट पूरा इसी तरीके से दिखाया गया है, यानी कि स्लॉट प्लॉट जो भी है। नंबर 7 पे आती है गुल्लक। गुल्लक का मिश्रा परिवार सीजन 4 से दर्शकों को गुदगुदाने के लिए तैयार है। शो में मध्यवर्गीय परिवार की जद्दोजहद को बड़ी खूबसूरती से पर्दे में दिखाया गया है। नंबर 8 पर आती है सुनील ग्रोवर स्टारर सनफ्लावर। सनफ्लावर के पहले सीजन की लोकप्रियता के बाद मेकर्स इसका दूसरा सीजन लेकर जल्द हाजिर होंगे। दर्शक एक बार फिर सुनील ग्रोवर को सोनू के किरदार में देखेंगे। ZEE5 पर स्ट्रीम होगा, या आप देखिएगा जरूर। तो आप मुझे बताइए आप इनमें से किसका इंतजार कर रहे हैं, कौन सी वेब सीरीज का, कमेंट सेशन में जरूर बताएं। और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए बने रहिए बॉलीवुड समाचार के। तब तक के लिए नमस्कार।